दोस्तों पिछले कुछ सालों से साउथ के कई सुपरस्टार्स ने बॉलीवुड पर अपनी धाक जमाए रखी है और बॉलीवुड में कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स होने के बाद भी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड पर इन साउथ सुपरस्टार्स का ही राज चलता है। चाहे फिर वो बाहुबली स्टार प्रभास हो, पुष्पा स्टार आलू अर्जुन हो या हो KGF स्टार यश, क्योंकि दोस्तों जब भी इन तीनों सुपरस्टार्स की बड़े पर्दे पर फिल्में रिलीज होती हैं तो बॉलीवुड अपनी फिल्मों की डेट्स को या तो आगे बढ़ा लेता है या फिर पीछे कर लेता है, क्योंकि बॉलीवुड का कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर या एक्टर नहीं चाहता कि इन तीनों सुपरस्टार्स के साथ उनकी फिल्मों का क्लैश हो। देखिए शुरुआती दिनों में सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन ने भी कई हिंदी फिल्मों में काम किया और तमिल में भी रिमेक फिल्में बनाई, और फिर उसके बाद SS राजामौली की फिल्म बाहुबली ने हिंदी बेल्ट को यानी कि बॉलीवुड को एक नया स्टार प्रभास के रूप में दे दिया, और प्रभास बाहुबली की वजह से हिंदी बेल्ट यानी कि बॉलीवुड पर पूरी तरीके से छा गए। और फिर प्रभास के बाद आलू अर्जुन और यश ने अपनी अपनी फिल्मों से हिंदी बेल्ट यानी कि बॉलीवुड में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, और यश की KGF सीरीज और आलू अर्जुन की पुष्पा से जमकर धमाका भी मचाया। और दोस्तों मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए आलू अर्जुन और यश के मुकाबले प्रभास बॉलीवुड पर अभी तक टॉप पर छाए हुए हैं। देखिए बाहुबली सीरीज के बाद चाहे उनकी लास्ट 3 फिल्में फ्लॉप रही हों, लेकिन फिर भी उनकी फिल्मों ने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई की है। देखिए SS राजामौली की बाहुबली ने प्रभास को हिंदी बेल्ट का स्टार बना दिया और बाहुबली के दोनों पार्ट्स ने तेलुगु वर्जन के अलावा हिंदी वर्जन ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। देखिए प्रभास ने अपनी फिल्में बाहुबली, साहो, राधे श्याम और आदिपुरुष के जरिए करीब 1000 करोड़ रुपए की कमाई की है, और इन फिल्मों में बाहुबली 2 ने सबसे ज्यादा 510 करोड़ रुपए का कारोबार किया। और दोस्तों बात अगर आलू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की करें तो उनकी इस फिल्म ने 106 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, और वहीं यश की फिल्म KGF के दोनों पार्ट्स ने हिंदी बेल्ट में जमकर कमाई की और दोनों पार्ट ने करीबन 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। मतलब कि दोस्तों अगर इन तीनों सुपरस्टार्स की कमाई को इकट्ठा किया जाए तो केवल इन तीनों सुपरस्टार्स ने बॉलीवुड में 1600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और दोस्तों जल्द ही प्रभास की सालार मूवी रिलीज होने वाली है, तो उधर आलू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी रिलीज होने वाली है, तब देखना होगा कि दोनों ही सुपरस्टार्स की इन दोनों फिल्मों का बॉलीवुड में बिजनेस क्या रहता है। बाकी दोस्तों आप कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।